हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीना संजय वल्दिया व्लॉग में। और जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, दिख ही नहीं रही हूँ, कैसे देखोगे? ये दिप्पी फोन पकड़ के दिखा दे तो मेरे को। वाह, मैं दिखा दे। वाह तो कुछ नहीं है, सिंपल मेहंदी में जा रही हूँ तो इसलिए मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। और क्या करे, ब्लेजर पहनना मजबूरी है, बहुत ज्यादा ठंड है पिथौरागढ़ में, तो इसलिए ब्लेजर स्वेटर पहने। अजीब सी लग रही थी, बूटी बूटी इसको, मतलब बुढ़ी बुढ़ी नहीं कह सकती, बहुत मोटी लग रही थी। स्वेटर डाले, व्हाइट कलर का पहना, ब्लैक कलर का पहना, तो इतनी मोटी लग रही थी। थोड़ा सा ये ब्लेजर पहना तो थोड़ी कमर ऐसी दिख रही, अंदर को स्लिम थोड़ा तो स्लिम दिख रही है ना, ये देखो फ्रेंड्स। तो मैंने कहा यार चलो इसमें थोड़ा सा तो मैं स्लिम लगी, तो इसलिए मैंने डाल लिया ये बिना कॉलर वाला ब्लेजर अपना। और बाकी ब्लेजर में फिर आपको बताइए कि पूरा ऐसे करके अंदर लेना पड़ता है पल्लू, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कल चले गए हैं पतिदेव, और आज मेहंदी में जाना पड़ रहा है अकेले, क्या करूँ, पतिदेव होते हैं तो पतिदेव के साथ थोड़ा इंजॉय करने में आता है मज़ा। तो आप सब लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कुमाऊं में कैसे हम लोग मेहंदी सेलिब्रेट करते हैं। आजकल तो खैर सब जगह ही करते हैं, बट कुमाऊं में तो अलग ही मज़ा होता है। कुमाऊनी गाने बजेंगे, गढ़वाली गाने बजेंगे, और हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं धूम धड़ाका। और जो भी चैनल पे न्यू है यार, प्लीज़ कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और जिसे भी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। तो फिर अब मैं आपको सीधे कहाँ मिलूँगी, जहाँ पर मैं जा रही हूँ मेहंदी में, तो वहाँ पर होगी मुलाकात। अभी निकले हम मेहंदी के लिए, तो आज मैं जा रही हूँ अपने देवर के साथ। पीछे देख सकते हो मेरे देवर आए हैं, और दूसरी देवर आ रहे हैं गाड़ी लेके, क्योंकि जहाँ पे मेहंदी है वो थोड़ा दूर है, तो पैदल हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में। चल हम तो। और मैं पहुंच चुकी हूं मेहंदी में, और आप लोग देख सकते हैं हमारे वहां कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले लगाया जाता है टीका, इसलिए ताई जी मुझे लगा रही हैं टीका। और हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, ताई जी पूछ रही है छोटा लगाऊं बड़ा लगाऊं, मैंने बोला जैसा आपको पसंद है आप वैसा लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मेरे और डीजे पे चल रहा है डांस, और आप लोग जानते ही हो कि वॉइस ओवर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू है। और यहाँ पहुँचते ही चल रहे थे गाने, और ये देख सकते हो यहाँ पे हल्दी की डेकोरेशन, और यहाँ पे है मेहंदी की, यहाँ पे बैठेंगे दूल्हे राजा। डांस वांस हमने बहुत कर लिया, हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। गाइस आप समझ सकते हो पकौड़िया किसके लिए और कौन खाए जा रहा है। और ये रहा आज का दुल्हा, और ये रही कल की दुल्हन। आज का दूल्हा इसलिए बोला क्योंकि आज हम दूल्हे की मेहंदी में आए हैं, और कल दुल्हन आ जाएगी यहाँ पे। इतना नाच गए, इतना नाच गए, इतना हम कभी नाचे, कभी नहीं नाचे जितना हम आज इंजॉय कर रहे हैं। हमारी शक्ल और मेरे पसीने से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं हम लोगों ने कितना इंजॉय किया। वो देखो पीछे मुरझाई हुई लड़की, और दस तो अभी नहीं बचा है, अभी हो रहा है 9:30, पर पता नहीं गाना क्यों बज गया, क्यों बज गया, क्यों बज गया, कह रही क्यों बंद हो गया, क्यों बंद हो गया पूजा गाना, पता नहीं गाना क्यों बंद हो गया। मैं दिखाती हूँ माहौल आपको कैसा हो रहा है। सब डांस वाले थे बेचारे, और
फ्रेंड मेहंदी जो है वो हो चुकी है खत्म और लास्ट में चल रहा है पीछे हमारे फोटोशूट। गुड्डू भैया एक शिफ्ट को पहुंचा के आए हैं, हम जाने वाले हैं दूसरे शिफ्ट में, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं वेट। और ये कितना नाची है आज, कितना, ये भी बहुत नाची है, ये भी नहीं नाच गई। और ये हमारे देवर जी जिन्होंने बोला मैं बिना सोनी के नहीं नाचूंगा, सोनी सुन लो। मेहंदी जो है वो हो चुकी है खत्म और हमारा मेहंदी का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना। इनको बहुत हंसी आ रही है कि हम लोग काले आ रहे हैं, ना ना फिल्टर लगाना, ऐसा बोल रही है ये अपनी चाची के कान पे। और अगर आपने मेहंदी का ये वाला व्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय।